प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पत्रकार शैला खान को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील भारत की बेटी नाज़िया अली खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, और ये जवाब देंगी इंटरनेशनल मीडिया द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पे लग रहे इल्जामों का। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार है हेरल्ड सन, उसमें लिखता है कि पीएम मोदी लिंक्स टू मैस जो है रेपिस्ट के साथ उनके ताल्लुकात है, और कॉन्टेक्स्ट में वो लिखते हैं प्राजवाल का वो जो स्कैंडल आया था कि उसके जो है पिन ड्राइव के अंदर 2800 के करीब जो थी वो हरेसमेंट से रिलेटेड वीडियोस थी, और उसके लिए जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वोट मांग रहे थे, और ये ऑस्ट्रेलिया का अखबार लिखता है। इस पर क्या कहेंगे? वो आज कल रात को अरेस्ट हो चुका, और वो भी बहुत गंदे तरीके से, इतने गंदे तरीके से पुलिस उसको घसीटते हुए एयरपोर्ट से वहां से एक्सट्राडिट की है जहां पर वो छुपा हुआ था, एक्सट्राडिट करके उसको घसीट करके गाड़ी में बैठाया गया है और उसको जेल की सलाखों में डाल दिया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल में किसानों पर बहुत बहुत ध्यान दिया है, युवाओं पर बहुत जो ध्यान दिया है। के साथ ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का लिंक जोड़ी, और कुछ तो ये भी कहते हैं के पार्लियामेंट के अंदर आधे से ज्यादा जो इनके एमएनएज हैं एमपीएज हैं उनका कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। ये जियोपॉलिटिक्स लिख रही है इस लम्हे जब इंडिया के अंदर एक नई गवर्नमेंट बनने वाली है। चलो, मुझे ऐसा लगता है, अभी मैंने जब आपको जवाब दे दिया कि वो अरेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका से बैठे बैठे भारत के एमपीज के लिए, बीजेपी के एमपीज के इतने सारे चिट्ठे मिट्टे लोगों को पता है, तो इन बातों को इंटरनेशनल कोर्ट में उठा दिया जाए, तथ्य और सबूत को सामने रख दिया जाए, या जो विपक्षी दल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर या भारत के प्रधानमंत्री पर जो भी अभद्र टिप्पणियां करते हैं उनके लिए भी कोर्ट खुला हुआ है, कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? और अगर चले भी जाते हैं बेचारे, तो मुंह लटका करके चले आते हैं, रिटर्न मुंह लटका करके रिटर्न चले आते हैं। निर्भया जैसा इतना बड़ा बलात्कार तो कांग्रेस के जमाने में होता था, कामदुनी जैसा बलात्कार कांग्रेस के जमाने में होता था, सुजर जॉर्डन जैसा बलात्कार कांग्रेस के जमाने में होता था, 72 साल की नन का बलात्कार ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुआ, 62 साल की एक जईफा का बलात्कार उसके ग्रैंडसन के सामने, उसके ग्रैंडसन के सामने पश्चिम बंगाल में श्रीमती ममता बनर्जी की सरकार है, हो गया। अब कालियागंज हांसखाली में, पश्चिम बंगाल के कालियागंज हांसखाली में माइनर बच्चियों का रेप हुआ, ममता बनर्जी ने खड़े होकर के कह दिया लव अफेयर था, प्रेग्नेंट थी इसलिए रेप हो गया। अभी 2024 का घटना है भाई कि शेख शाहजहां ने एकदम मुगल पीरियड शाहजहां की तरह मास बलात्कार किया है, मास बलात्कार किया है। मुझे अभी ये बात रखनी पड़ेगी क्योंकि मेरी आंखों में आंसू आ जाता है कि वही संदेश खाली में एक माँ अपनी 5 साल की बच्ची को बचाने के लिए पैर जोड़ रही थी शेख शाहजहां के लोगों का, के एक एक करके जाओ मर जाएगी, एक एक करके जाओ मर जाएगी, समझ रही हो बात को? 5 साल की बच्ची और पूरा परिवार बंदूक की नोक पर, और मां गिड़गिड़ा करके कह रही है शेख शाहजहां के लोगों को कि एक एक करके जाओ वो मर जाएगी। क्या करने जा रहा था पता है ना? रेप करने जा रहा था 5 साल की बच्ची। यहाँ मैं जिस ऑफिस में बैठी हुई हूँ पश्चिम बंगाल कोलकाता में, यहाँ पर मूनलाइट सिनेमा हुआ करता था पहले, आज से 6-7 साल पहले, एक छोटी सी बच्ची जमीन जो कचरे बचरे उठाते हैं जो लोग, वो लोग फिर एक कॉर्नर में रात में सो जाते हैं, मेरे ख्याल से 6 साल की बच्ची होगी या 6.5 साल की, उसका वर्जाइना ब्लेड से काट करके उसका रेप किया मुसलमान, और उसके बाद फिर भाग गया था, उसका वर्जाइना ब्लेड से काटा, और उसी कंडीशन में रेप करके मुसलमान उसको छोड़ दिया था, बाद में अरेस्ट हुआ, until date he is behind the bar, वो केस मैंने देखा है, उस बच्ची को गोद में मैंने उठाया है, उस बच्ची को ऑपरेशन थिएटर पर मैंने सुलाया है, वो बच्ची आज भी मुझसे मिलने के लिए आती है, उस बच्ची का एडमिशन मैंने करवाया है, उस बच्ची का पालन पोषण मैं कभी बोलती नहीं हूँ इस बात को शैला, उस बच्ची का पालन पोषण मैं कर रही हूँ। जबरदस्ती तो बहुत 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 अच्छी बात है, और आप जैसे जो सीनियर लोग हैं और जो मतलब के मीडिया के अंदर
अपना एक मकाम रखते हैं, तो ऐसे मैसेजेस देने चाहिए जिससे जो जहालत वाले लोग हैं वो अरेस्ट भी और ये चीज़ें हों भी ना। अच्छा, अब एक और खबर पे आते हैं। टाइम मैगजीन लिखते हैं कि इंडिया इन डिवाइडर चीफ, मतलब, और साथ उन्होंने तस्वीर छापी है मोदी जी की कि भारत में दरारें डालने वाले, दी मैगजीन्स ये लिखते हैं। देखिए, मैं कहती हूँ कि जब नाम बड़ा होता है तो दुश्मन भी होते हैं। मेरे ट्विटर एक्स पर जाइएगा तो लोग ये भी कहते हैं कि मैं 6 लाख लेकर के अपने कपड़े खोल करके बिस्तर पर सो जाती हूँ, और कोई और नहीं कहता है। असदुद्दीन अवैसी के पार्टी का नेता कहता है, लिखता है बाजार कि मैं 5 लाख 6 लाख रुपए में अपने कपड़े खोल देती हूँ, तो क्या आपके बारे में लिखते हैं? मेरे बारे में, मेरे ट्विटर एक्स पर जाइए, उसने लिखा, असदुद्दीन अवैसी के नेता ने लिखा है, बिल्कुल साफ तरीका से लिखा है, एकदम हिंदी में बड़े बड़े लफ्जों में लिखा है, 5 लाख 6 लाख अमाउंट भी लिखा है। तो जब नाम बड़ा होता है, पॉपुलैरिटी बड़ी होती है, और जब आप दुनिया की नजरों में सबसे प्रथम होते हो, सबसे अव्वल होते हो, तो आपके दुश्मन तो होते ही हैं। अभी मेरे हाथ में मोदी जी की स्कीम्स है, ये वो योजनाएं हैं जिसका लाभ देश के करोड़ों लोगों ने उठाया है। आपके पाकिस्तान देश, इस्लामिक देश में 25 करोड़ की आबादी को वहां के वजीर आजम पेट भर करके खाना नहीं दे पा रहे हैं। आटे रोटी के लिए आप लोगों के यहाँ कटोरा हाथ में आ चुका है, लोग लड़ रहे हैं, मार रहे हैं। हमारे यहाँ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हम इसको एडमायर भी करते हैं पाकिस्तान में। इम्पोर्टेंट स्कीम ऑफ नरेंद्र मोदी, जनधन योजना, मैंने इसको जाकर के लोगों को बांटा है। स्किल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत, संसद आदर्श ग्राम योजना, जयते योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हृदय योजना, पीएम मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, और जो लास्ट में 1 करोड़ उज्ज्वला योजना पहुंचा था तो उनके यहाँ जाकर के मोदी जी ने चाय भी पिया था। द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, टोटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा, स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव, अब ये जितनी योजनाएं हैं, ये योजनाओं का लाभ हिंदू ने भी उठाया, मुसलमान ने भी उठाया, क्रिश्चियन ने भी उठाया, बौद्ध ने भी उठाया, जैन ने भी उठाया, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अल कुरान के ऊपर हाथ रख करके ये कसम खाए कि मुसलमानों को इस योजनाओं से साइड किया गया है। ठीक है, अगर हिम्मत है तो एक मुसलमान खाए ये कसम। चले, मैसेज चला गया है। अच्छा, जापान के साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशनशिप है और बड़ी इस पे बात भी करते हैं। जापान के एक अखबार है निकाई एशिया, वो लिखते हैं कि इंडियाज मोदी अंडर फायर फॉर इलेक्शन फॉर हेट स्पीच अगेंस्ट मुस्लिम। जापान भी इल्जाम मोदी जी पे लगा रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ जो है ये हेट स्पीच देते हैं। चलिए, मुझे ड्यूरिंग इलेक्शन एक स्पीच बताइए जिसमें उन्होंने मुसलमानों को बुरा भला कहा होगा। एक मैं नहीं कह रही, जापान कह रहे हैं। यू आर अ वेरी रेनाउंड एक्टिविस्ट भी मैं बोल सकती हूँ, रिपोर्टर भी मैं बोल सकती हूँ, और आप एक ऐसे रिपोर्टर हैं शैला जो विभिन्न देश के पत्रकार आपको छापते हैं। जब आप रोड पर इंटरव्यू करती हैं, शायद आपको आइडिया नहीं है, मेरे और आपका आपके कई इंटरव्यूज अरब चैनल के नेशनल न्यूज पर दिखाया गया है। मेरे और आपके इंटरव्यूज यूके के नेशनल न्यूज पर दिखाया गया है, मेरे और आपके। क्या आप जियो पॉलिटिक्स पर काम करती हैं? आप मुझे बताएं कि ड्यूरिंग इलेक्शन बहुत एक्टिव, कई बार आपने मेरे साथ कंफ्रंटेशन किया 10 साल में, चलिए मैं इलेक्शन भी छोड़ देती हूँ, 10 सालों में मोदी जी ने कब मुसलमानों को बुरा भला कहा अपनी स्पीच के माध्यम से? एक इंसिडेंट बता दीजिए। तो ये इल्जाम लगाया जा रहा है, कंप्लीटली इल्जाम है। आप जैसे कल देखिए, मेरे पास एक किसी मुसलमान ने फोन किया मेरे ऑफिस के लैंडलाइन पर, तो मैं थी नहीं, मैं रोड शो पे थी, तब तक मेरे ऑफिस में 4 जूनियर्स थी और चारों औरत थी। इतनी अभद्र गालियां, इतनी गंदी गंदी गालियां वो फोन पर दिया है। उसके बाद मैं आई, फिर भी फोन की घंटी बज रही थी, और जैसे ही मैं आई, सब पता है, मतलब रोने के उस पर सिनारियों पर आ चुकी थी मेरी जूनियर। जब मैंने फोन पकड़ा तो उसने कहा, मतलब सीधा गाली, माँ बहन की गाली, तो तुझे तो मारूंगा, तुझे तो काट देंगे, तेरा तो पजामा खोलेंगे, फलाना करेंगे, मतलब जितनी अश्लीलता की गाली थी उसने दे दिया। मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा कि मैंने मुसलमान या इस्लाम के खिलाफ क्या बोला है, वो बता दो।
और तुम जो ये माँ बहन की गालियां दे रहे हो, क्या ये सुन्नत रसूल है? क्या ये अल कुरान में इसकी इजाजत है? क्या ये मुसलमान अपनी जुबान से जो कुरान पढ़ता है वो अपनी जुबान से ये गालियां दे सकता है? बता दो भाई, बता दो। नहीं बता पाया, नहीं बता पाया, चुप हो गया। तो एलिगेशंस लगाना बहुत आसान होता है, बस पर उस एलिगेशन को साबित करना बहुत टफ हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह शैला खान और नाज़िर अली खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे भारत की बेटी नाज़िर अली खान जी ने ना सिर्फ बात की प्रधानमंत्री मोदी की, कैसे इंटरनेशनल मीडिया ये कोशिश कर रहा है कि मोदी जी की छवि को बिगाड़ा जाए, और साथ में उन्होंने अपनी एक पर्सनल स्टोरी भी बताई जो काफी इमोशनल भी थी और ट्रेजिक भी थी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।